अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हिंदी को किस नजर से देखते हैं आप? ऐसा विषय है जब किसी व्यक्ति को एलिग्रेट हो या टेंशन का समय हो तो उसे हिंदी पढ़नी चाहिए, कविताएँ पढ़नी चाहिए, कहानी पढ़नी चाहिए, जिससे उसका मन हल्का होता है, टेंशन कम होती है, प्रेशर कम होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, गणित में सबसे ज़्यादा छात्र रुचि लेते हैं या प्रेशर भी होता है, तो हिंदी पर क्यों इतना रुचि नहीं लेते? हिंदी को आसान समझते हैं क्या छात्र? हिंदी को बच्चे आसान समझते हैं क्योंकि हिंदी है जो कम समय में अधिक बच्चे तैयार कर लेते हैं, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत अधिक पढ़ना पड़ता है। हिंदी के लिए क्या करना चाहिए? हिंदी कमज़ोर क्यों है छात्रों? पूरे प्रदेश में सरकार को कुछ नियम लागू करना चाहिए जिससे बच्चों को हिंदी में कोई आगे दिक्कत ना हो, या ऐसा कुछ किताब या व्याकरण बनानी चाहिए सरकार को जिससे आगे चल के बच्चों को हिंदी की दिक्कत ना हो। हिंदी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, पूरे प्रदेश में छात्रों की रुचि खत्म होती जा रही है हिंदी को लेकर, तो उस पर ऐसी बात नहीं है। अभी भी बहुत से छात्र हैं जिन्हें हिंदी में रुचियाँ, ऐसी बात नहीं है कि हिंदी ख़त्म हो रही है। अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी हिंदी में 95, 97, 98% है। अब देखिए, जो हिंदी सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड विषय है, हिंदी तो हम लोग पढ़ते ही हैं। अब ये है कि मान लीजिए पूरा दिन हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिंदी पे इग्नोर करते हैं ज़्यादा, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं और सबसे हाईएस्ट नंबर उसी में आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी को हम मतलब कम तरीके से लें, मतलब शुरू से लेके पढ़ेंगे तो हिंदी भी हमारी स्ट्रॉन्ग ही रहेगी। हिंदी जिस तरह विषय है, छात्र कैसे रुचि बढ़ाएं अपनी? छात्रों को खुद समझना चाहिए कि हिंदी उनकी मातृभाषा है, तो उन्हें खुद ही अपने आप उसका स्वाध्याय करना चाहिए और टीचरों से पूछना चाहिए हिंदी के बारे में अच्छी अच्छी बातें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अंग्रेजी में ज़्यादा प्रेशर होता है हिंदी के कंपेरिजन, तो हिंदी में रुचि क्यों नहीं? 3 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदी मीडियम स्कूलों के, तो उसमें किस तरह से छात्र रुचि बढ़ाएं इसके बारे में? इसमें तो छात्रों को खुद ही समझना चाहिए कि हिंदी भी आपके लिए ज़रूरी है और फिजिक्स केमिस्ट्री तो है ही ज़रूरी। हिंदी में जो रुचि ख़त्म होती जा रही है छात्रों की, उसके लिए क्या करना चाहिए छात्रों? जी सर, सबसे पहले जो हमारे विद्यालय में हिंदी पढ़ाने वाले आचार्य लोग हैं उन्हें समझाना चाहिए कि हिंदी को आप बिल्कुल एक डिम सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि उसमें भी हिंदी साहित्य, व्याकरण, वाक्य सब होता है, इसलिए उसको हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए और खुद छात्रों से अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके लिए हिंदी हमारी अच्छी हो सकती है। सर, पूरे प्रदेश में हिंदी विषय को लेकर छात्रों में रुचि क्यों कम होती जा रही है, इसके विषय में प्रकाश थोड़ा सा। समाज में ऊंचे तबके पर, ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के लोगों में जब इस प्रकार के विचार आएंगे कि इन विद्यालयों में बच्चे पढ़ाना चाहिए, इन विषयों में रुचि होनी चाहिए, तो समाज में एक जागरूकता आएगी और हिंदी के प्रति समाज में जागरूकता पैदा होगी। आज ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों में एक इस प्रकार का भाव आ गया है कि फिजिक्स पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, इनसे अच्छी जगह नौकरी मिलती, समाज में एक अपना अच्छा स्थान समझते, ऐसा उनके अंदर भाव आता है। तो जब तक ये लोग समाज में इस प्रकार के भाव नहीं लाएंगे, तब तक इस विषय का, हिंदी है, संस्कृत है, आज हम अपने विद्यालय को देख ले तो मेरे विद्यालय में भी वो ये समझ करके एडमिशन नहीं कराते हैं कि यहाँ केवल संस्कृत पढ़ाई जाती, जबकि ऐसा नहीं, हमारे यहाँ कोई विषय संस्कृत का नहीं है और हम लोग सभी विषयों में, चाहे हिंदी के साथ साथ फिजिक्स है, गणित है, हमारे यहाँ हिंदी में भी जो सारे छात्र थे उनमें ज़्यादातर छात्रों के 75% से ज़्यादा नंबर आए, और कई छात्र हमारे यहाँ के पढ़े हुए आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और करते जा रहे हैं। सर, हिंदी भाषी क्षेत्र में 300 बच्चे फेल हुए हैं, तो ये क्या उन लोगों के लिए, 3 लाख बच्चे फेल हुए हैं, किस तरह से वो अपनी रुचि बढ़ाएं हिंदी को लेके, इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन छात्रों के लिए? मैं यही चाहता हूँ कि ये लोग समाज के सामाजिक लोग और ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति समाज में इस प्रकार की जागरूकता लाएं कि एक तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और समस्त विषयों की जननी जो है वो हिंदी और संस्कृत ही है। आज आप कोई भी विषय उठा करके देख लीजिए, बिना हिंदी और संस्कृत के ज्ञान के उसका समुचित विकास हो नहीं सका है, इसलिए हमारे देश का विकास हिंदी और संस्कृत के साथ जुड़ा हुआ है। सर, और विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और हिंदी पर नहीं, ऐसा भी कुछ है? वो अपना रिजल्ट उठा करके देख लें, केवल जो इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई से पढ़े हुए जो छात्र हैं उनका केवल 2
क्षेत्रों में, एक मेडिकल के क्षेत्र में और एक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमारे विद्यालय से तुलना करके देख लें कि उनके छात्र कहाँ अन्य परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। हमारे विगत 20 वर्षों से उसका तो रिजल्ट हम आपके सामने, सब छात्र जितने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं उनसे हमारा तुलना कर लें कि हमारे ज़्यादा क्षेत्र उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, हमारे ज़्यादा छात्र सफल हो रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। केवल दो क्षेत्रों में मैं मानता हूँ कि उनका कोर्स जो है, और अब वो भी समस्या दूर हो गई क्योंकि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मिलकर के NCERT की सारी जो बुकें थी, जो जो इंग्लिश मीडियम में CBSE ICSE बोर्ड में चल रही थी, वो UP बोर्ड में ही लागू कर दी। तो अब ये भी खत्म होगा, आगे से हम देखेंगे कि उन विद्यालयों के छात्र हमसे इन दो क्षेत्रों में जो आगे ज़्यादा बढ़ रहे थे, बाद बाकी वो हमसे सब जगह पीछे हैं, केवल दो ट्रेंड्स में हमसे आगे थे, अब उन क्षेत्रों में भी हम निश्चित रूप से उनको पछाड़ देंगे।